कैसे हो आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ काफ्तान और कुछ सेट्स हैं जो मैंने मीशो से परचेज किए, तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ओके ओके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेट मैंने मंगवाया जो कि काफ्तान है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में। साइड में पिक लगा दूंगी तो आप देख लेना। और प्राइस की बात करते हैं तो ये मुझे 330 रुपीज में पड़ा है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। और साइज मैंने इसमें मंगवाया था स्मॉल। और फैब्रिक की बात करते हैं तो ये रेयॉन में है, तो देखते हैं हमें कैसा रिसीव हुआ है। तो पहले ही ओपन कर चुकी थी मैं ये देखने के लिए कि जो मंगाया था वही आया है नहीं। बाकी प्रॉपर ओपन नहीं किया, प्रॉपर मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमें आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में है, जो कि सेम एज इट इज ही है। और साइज की बात करते हैं तो मैंने स्मॉल मंगाया था तो स्मॉल ही आया है, 36 स्मॉल, ठीक है। बाकी इसके कपड़े की बात करते हैं तो ये रेयॉन नहीं है, ये कॉटन है, कॉटन मिक्स है। रेयॉन नहीं है बट कॉटन मिक्स है, जो कि अच्छा है। पता नहीं बाहर रेयॉन क्यों शो कर रखा है, बट मुझे फील हो रहा है ये कॉटन है, कॉटन मिक्स बोल सकते हो, बट कॉटन है ये, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो इसके नेक पे आपको लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, व्हाइट कलर की लेस लगा रखी है। वी नेक मिल जाएगा आपको, और स्लीव्स तो खैर होती थी तो काफ्तान है। साइड में आपको ये प्रॉपर लेस लगी हुई मिल जाएगी, प्रॉपर ये देखो, और इस साइड भी आपको ये प्रॉपर लेस लगी हुई मिल जाएगी। बाकी लेंथ की बात करते हैं तो ये मेरे को मेरे नी से नीचे ही आ रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे लॉन्ग काफ्तान ही चाहिए था और ये लॉन्ग ही शो हो रहा था। बाकी ओवरऑल ये प्रिंट ही है, छूटने वाला प्रिंट नहीं है, बहुत ही परफेक्ट प्रिंट है। और बैक एंड फ्रंट से सेम एज इट इज है। बाकी आगे ना, आगे आपको ये कुछ डोरी सी मिल जाएगी जिसको आप टाइप कर सकते हो। बाकी आप साइड में वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से, ठीक है। आपको ये डोरी दे रखी है एंड नीचे आपको ये कुछ टैसल से मिल जाएंगे। पीछे आपको राउंडी नेट मिलेगा छोटू सा, बाकी ओवरऑल ये ऐसी है, बहुत ही परफेक्ट है, अच्छी है। बाकी वीडियो आप साइड में देख लेना। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये बहुत ही वर्थ इट लगी है, तो आप इसे बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से इसको 10 out of 10 है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में अगेन, लेकिन जैसे उसमें प्रिंट था ब्लैक कम था, इसमें प्रॉपर ब्लैक है और व्हाइट डॉट डॉट है। अभी आपको दिखा, साइड में पिक्चर देख लो आप किस टाइप से हमें शो हो रही है। इसमें हमें दो कलर मिल जाते हैं, व्हाइट एंड रेड। आपका जो मन करे आप मंगाना, मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लैक मंगाया। बाकी इसके प्राइस की बात करते हैं तो ये हमें 286 रुपीज में पड़ा, मतलब मुझे 286 में पड़ा है। प्लस इसमें साइज स्मॉल नहीं दिख रहा तो मैंने मीडियम ही मंगाया था। बाकी आप देख लेना, स्मॉल तो शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी इसके फैब्रिक की बात करते हैं तो अगेन रेयॉन ही है, तो देखते हैं किस टाइप का हमें ये शो मतलब मिला है। सॉरी, तो ये प्रॉपर ब्लैक कलर में ही है, आप देख सकते हो, एक सेकेंड। बाकी मैंने साइज मंगाया था मीडियम, जो कि मीडियम ही मिला है मुझे, ओके। बाकी नेक की बात करते हैं तो ये वी नेक है, और यहाँ पे एक छोटा सा और कट है वी, देखो, और ये आपको यहाँ पे बांधने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो साइड में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से इसको वियर करना है, ठीक है। पीछे आपको अगेन छोटू सा नेक मिल जाएगा, ओवरऑल आपको ये प्रिंट मिल जाएगा जो कि छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको फ्लावर से बने मिल जाएंगे प्रॉपर पूरी ड्रेस में, आगे से भी एंड पीछे से भी। बाकी साइड में बात करते हैं तो आपको लेस मिल जाएगी व्हाइट कलर की, जो कि पिक्चर में भी शो हो रही थी, तो जैसा दिखाया है वैसा ही आया है। इस साइड भी आपको ये लेस शो हो जाएगी, सॉरी लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इसकी लेंथ की बात करते हैं तो मुझे इसकी लेंथ पर्सनली ज्यादा अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ये लॉन्ग ज्यादा नहीं है, तो मुझे लॉन्ग ही चाहिए था, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, कलर वाइज एंड वर्क वाइज बहुत ही अच्छा है। बाकी मटेरियल इसका रेयॉन ही है, कॉटन नहीं है, उसका कॉटन था, इसका कॉटन नहीं है, इसका रेयॉन ही है, ठीक है। बाकी पहनने के बाद पता चलेगा, वीडियो में आप देख लेना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया जो कि है पठानी सूट। साइड में आप पिक्चर देख लो किस टाइप से हमें ये शो हो रहा था, तो मुझे ये बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा मंगा के देख लेते हैं।
बाकी ये मुझे ये 488 रुपीज में पड़ा है। साइज मैंने स्मॉल ही मंगाया था, ठीक है। फैब्रिक की बात करते हैं, अगेन रेयॉन ही है। तो चलिए देखते हैं ये हमें किस टाइप का रिसीव हुआ है। सो ओपन तो मैं सारे करके देख चुकी थी कि हमें एज इट इज वैसा ही रिसीव हुआ है नहीं, बाकी प्रॉपर ओपन करके नहीं देखा था, ठीक है। तो ये हमें कॉलर वाला मिल जाता है, ये देखो, ठीक है, कॉलर वाला मिल जाता है। साइज मैंने स्मॉल मंगाया था जो कि स्मॉल ही है, और कुछ चोलकी करके कुछ इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आपको कुछ इस टाइप की डिटेलिंग मिल जाएगी, साइड में ये सिक्के सिक्के वाली लेस होती है ना, उस टाइप की लेस मिल जाएगी, और आगे आपको ये शेल्स मिल जाएंगे, देखो शेल्स की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही परफेक्ट है। और आगे आपको ये व्हाइट कलर की लेस की डिटेलिंग भी मिल जाएगी, कॉलर लुक में बहुत ही अच्छी है। स्लीव्स की बात करते हैं तो ये 3/4 स्लीव्स है, नीचे आपको ये कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है, और दोनों ही स्लीव्स कुछ इस टाइप की है। आपको यहाँ पे लेस की डिटेलिंग मिल जाएगी, बाकी नीचे आपको राउंड में मिल जाएगा, ये देखो राउंड में है, स्ट्रेट नहीं है, राउंड में, पठानी है इसलिए राउंड में है। ओवरऑल आपको इसी टाइप का वर्क मिलेगा, ठीक है, ये देखो। और ये बीच बीच में आपको कुछ सिल्वर कलर का अगर आपको दिख रहा हो तो, बाकी साइड में वीडियो लगाऊंगी तो आप देख लेना किस टाइप का है। तो इसके पैंट की बात करते हैं तो आपको ये लास्टिक में मिल जाएगी, आई मीन दोनों साइड लास्टिक है, ठीक है, और वर्क आपको वही अगेन सेम ही कपड़ा है, ठीक है, बाकी रेयॉनी है, ये कॉटन बिल्कुल भी नहीं है, और सिल्वर कलर की लाइनिंग मिल जाएंगी, पास से देख सकते हो आप, ठीक है। और नीचे आपको पठानी लुक मिल जाएगा, और आपको जो कुर्ते में सिक्के की लेस लगा रखी है वही इसमें भी लगा रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। ओवरऑल सेट बहुत ही अच्छा है, बाकी आप वीडियो में देख लोगे किस टाइप का ये लग रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया है जो कि है एक कुर्ता सेट है, कुर्ता सेट भी बोल सकते हो, मतलब अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा मंगा के देख लेते हैं। बाकी प्राइस की बात करते हैं, पिक्चर आप देख लोगे किस टाइप का हमें शो हो रहा था, 461 रुपीज इसके प्राइस है। साइज मैंने स्मॉल ही मंगाया था, कपड़े आई मीन फैब्रिक के मटेरियल की बात करते हैं तो वो है रेयॉन, अगेन सारे मोस्टली रेयॉन ही है, ठीक है। तो चलते हैं किस टाइप का हमें रिसीव हुआ है। तो ये हमें कुछ इस टाइप का रिसीव हुआ, इसके ऊपर कुर्ते की बात करते हैं, कुर्ता क्या ये कुछ पैपलम टाइप में है। साइज मैंने स्मॉल मंगाया था बट मुझे मीडियम रिसीव हुआ है, खैर। तो ये कुछ इस टाइप का इसका नेक है, राउंड नेक, और आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, प्रिंट है, एक सेकेंड, ये आपको प्रिंट मिल जाएगा जो कि ये छूटने वाला है, ठीक है, आप इसको वॉश करोगे तो यह छूट सकता है, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी इस टाइप का लुक मिल जाएगा आपको, और नीचे भी आपको इसी टाइप का ये प्रिंट मिल जाएगा, डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने, और ये थोड़ा पैपलम लुक में जो होता है ना, पैपलम लुक में उसी टाइप का है, ठीक है। स्लीव्स की बात करते हैं तो स्लीव्स आपको ये छोटी सी मिलेगी, 3/4 भी नहीं है, आई थिंक इतनी होगी बस, ठीक है। बाकी मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल इसका रेयॉन ही है, ठीक है, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा पर्सनली। बाकी इसके पैंट की बात करते हैं तो इसमें आपको दोनों साइड लास्टिक मिल जाएगी, ठीक है, लास्ट साइड में आपको ये अगेन प्रिंट मिल जाएगा, कपड़ा नहीं है ये प्रिंट है, ठीक है, और ये स्ट्रेट पैंट है, बिल्कुल ही प्लेन ब्लैक है, बस आपको साइड में इसकी डिटेलिंग मिल, आई मीन ये प्रिंट मिल जाएगा दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड है ये। बाकी फुल लुक आप साइड में वीडियो में देख लेना किस टाइप का ये लग रहा है। बाकी पर्सनली मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा बिकॉज ऑफ प्रिंट, क्योंकि ये छूट जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया जो कि अगेन काफ्तान है, ठीक है, और इसके कलर की बात करते हैं तो ब्लू एंड व्हाइट कलर में है, और इसमें आपको दो कलर आई मीन तीन कलर मिल जाते हैं, ब्लू एंड व्हाइट, ऑरेंज एंड पिंक, ठीक है, आई थिंक हाँ पिंक, ठीक है। तो ये मुझे प्राइस में पड़ा है 470 रुपीज का। साइज मैंने इसमें मीडियम मंगाया था। फैब्रिक की बात करते हैं तो अगेन रेयॉन है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का ये हमें रिसीव हुआ है। तो इस ओवरऑल वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बुरा नहीं है, मतलब अच्छा ही है, बट अगर आप सेम टू सेम की बात करो तो ये मुझे ज्यादा सेम टू सेम नहीं लगा, मतलब जो पिक्चर में दिखाया था सेम वैसा नहीं है, बट हाँ मिलता जुलता है। तो आप देख सकते हो साइज मैंने मीडियम मंगाया था, मीडियम ही आया है। एंड इसके नेक की बात करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का नेक है, और यहाँ पे आपको कट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये टेसल्स आई मीन डोरी मिल जाएगी बांधने के लिए। इसके नीचे भी आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, क्योंकि क्यूट लग रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी है ये कुर्ती, और आगे आप देख सकते हो ये वर्क हो रखा है धागे का, ठीक है, कढ़ाई हो रखी है धागे का वर्क जो होता है ना, उस टाइप का वर्क है, छूटेगा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें रियल मिरर दिए ये,
जो फेक वाले मिरर होते हैं ना उस टाइप उसका वर्क है। ठीक है, तो ये नेक कुछ इस टाइप का लग रहा है, आप देख सकते हो। और ये ओवरऑल पूरा प्रिंटेड है, जो कि छूटने वाला प्रिंट नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है। आई मीन ये धोने के बाद, वॉश करने के बाद बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बाकी इसकी साइड की बात करते तो आपको लेस मिल जाती है, ठीक है, और आपको ये सिल्वर कलर की भी यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाती है। ओवरऑल पूरा साइड में आपको इस टाइप का मिलेगा। बाकी इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ बहुत ही अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लॉन्ग ही चाहिए थे। बाकी इसके फैब्रिक की बात करते हैं तो इन लोगों ने रियॉन लिखा हुआ है, बट अगेन ये मुझे थोड़ा कॉटन का लगा। ठीक है, एक ये वाला और एक जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था, ये मुझे दोनों कॉटन के लगे, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, तो आप जरूर से इन्हें मंगा सकते हो। वैसे ओवरऑल जितने भी मैंने आपको ड्रेस दिखाई है, काफ्तान एंड कुर्ता सेट दिखाया, सारे ही बहुत अच्छे हैं। अगर आपको प्रिंट का कोई इशू ना हो तो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप सारे ही आराम से मंगा सकते हो, क्योंकि वो वर्थ इट है, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही वर्थ इट है। तो ये थी मेरी ड्रेसेस, आई मीन काफ्तान सेट एंड कुर्ता सेट। तो आपको कैसे लगे जरूर से बताना, और अच्छे लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना, आई मीन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही कलेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।